हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं आरजी सैमसंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के अंदर स्पार्क लाइन ऑप्शन का हम यूज जानेंगे। तो स्पार्क लाइन जो ऑप्शन है वो इंसर्ट के अंदर दिया होता है। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पे स्पार्क लाइन ऑप्शन दिया होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि स्पार्क लाइन ऑप्शन का हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ इसका यूज किया जाता है और आप किस प्रकार के डेटा पे इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मैप चार्ट को डिटेल में समझाया था। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसमें मैंने काफी सारी वीडियो बनाई हुई है और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं कि स्पार्क लाइन है वो हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है जिस डेटा पे हम इस स्पार्क लाइन का यूज करेंगे। यानी कि स्पार्क लाइन हमारे पास एक चार्ट होता है, इसको हम एक तरह से मिनी चार्ट भी बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है और उस डेटा का हम मिनी चार्ट यहाँ पे बना के देख सकते हैं कि कहाँ उसमें ग्रोथ हुई है और कहाँ वो डेटा लॉस में चला गया है। तो उसका एक ग्राफ हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो हम पहला ऑप्शन इसमें यूज करेंगे लाइन, यानी कि मेरे पास ये कुछ डेटा लिखा हुआ है, जैसे सैमसंग के कुछ मॉडल हैं जिसका मैंने जनवरी फरवरी और इस तरह से जुलाई तक मैंने सेल की हुई है। तो इसका मुझे इसको एनालाइज करना है एक चार्ट के माध्यम से। तो हमारे पास यहाँ पे स्पार्क लाइन में हमारे पास लाइन का ऑप्शन दिया होगा, इसमें मैं क्लिक करूंगा और सबसे पहले हमें ये पूछ रहा है यहाँ पे डेटा रेंज। तो मैं क्या करूंगा, जनवरी से लेके जहाँ तक मुझे अपना डेटा एनालाइज करना है वहाँ तक मैं इसकी रेंज ले लूंगा। तो मैंने इस तरह से जनवरी से लेके जुलाई तक की रेंज पूरी दे दी। अब यहाँ पे लोकेशन रेंज का मतलब ये है कि ये डेटा आपको कहाँ शो कराना है। तो ऑलरेडी इसमें पहले से कुछ यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो मैं इसको हटाता हूँ और जहाँ पर मुझे इस डेटा को शो कराना है वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और ओके करूँगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इस डेटा की एक स्पार्क लाइन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई और मैं बाकी डेटा की भी यहाँ पे स्पार्क लाइन है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ इसको ऑटोफिल कर दूंगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबकी यहाँ पे स्पार्क लाइन है वो क्रिएट होके आ चुकी है। यानी कि अब हम इस डेटा को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर सेल है वो कम हुई है, कहाँ पर सेल ज़्यादा हुई है। तो इस तरह से हमें लाइन के फॉर्मेट में वो देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पर ज़्यादा सेल हुई है वहाँ पर हमारा जो लाइन है वो थोड़ा ऊपर चला गया ग्राफ उसका। तो इस तरह से हमारा ये स्पार्क लाइन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब जैसे हम स्पार्क लाइन को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे तो उसके बाद हम मेन्यू बार में देखेंगे हमारे पास स्पार्क लाइन का एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा। यानी कि अब हम इस पर जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, पहले तो एडिट डेटा का ऑप्शन दिया होगा, अगर मैं चाहूँ तो इस डेटा को एडिट कर सकता हूँ। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है एडिट ग्रुप लोकेशन एंड डेटा, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास इस डेटा की रेंज है वो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी जनवरी से जुलाई तक डेटा रेंज दिया था, अब मैं चाहूँ तो जनवरी से लेकर मई तक का ही मुझे डेटा देखना है तो मैं इसको दोबारा से एडिट कर सकता हूँ। और ये लोकेशन रेंज है जो हमने लोकेशन रेंज दी थी, यानी कि जहाँ पर हमें ये डेटा देखना है, तो इसको मैं यहाँ से दोबारा एडिट कर सकता हूँ। तो फिलहाल हम इसको पूरा देख रहे हैं और इसके बाद हमारे पास लाइन एक्टिवेट है। अगर मैं चाहूँ इसको कॉलम फॉर्मेट में देखना तो मैं यहाँ से क्लिक करके ये चीज़ हमें कॉलम फॉर्मेट में दिखाई देगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हमारे पास अभी जो लाइन आ रही थी वो चेंज होकर कॉलम फॉर्मेट में यहाँ पे चेंज हो गई है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कॉलम और विल लॉस का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको। तो आगे हम आते हैं यहाँ पे, तो मैं लाइन दोबारा से एक्टिवेट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। मैं क्लिक कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पे कई कलर फॉर्मेटिंग की स्टाइल दी होंगी, जो भी मुझे स्टाइल चेंज करनी है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मुझे ग्रीन लाइन में रखनी है तो ग्रीन कर दिया मैंने। इसके अलावा मुझे मैनुअली इसका कलर चेंज करना है तो स्पार्क लाइन कलर ऑप्शन दिया होगा, यहाँ से मैं कुछ कलर के जो पहले से प्रीसेट दिए होते हैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं यहाँ से मोर कलर का यूज़ करके अपने हिसाब से यहाँ से कलर बना भी सकता हूँ। और अगर मुझे लाइन का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा मोटा रखना है या थोड़ा पतला रखना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं क्लिक कर दूंगा, जो लाइन का फॉर्मेट है वो यहाँ से बढ़ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक शो का ग्रुप दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे हाई पॉइंट का ऑप्शन दिया है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट कौन सा गया है, मतलब हाई वैल्यू कौन सी है, तो मैं उसको एक पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे शो करा सकता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया हाई पॉइंट, तो सभी लाइन में हमारे पास हाई पॉइंट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। यानी कि यहाँ पर इस तरह से मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो इसमें हाई चला गया, यानी कि जो सेल हुई है वो सबसे ज़्यादा सेल है वो मई में दिखा रहा है यहाँ पे, यानी तीसरा पॉइंट है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट किसका है, सॉरी मार्च का है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मार्च में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, और इसी तरह से नोकिया C01 की भी सेल हुई है वो भी मार्च में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे रेडमी नोट 10 की जो सेल सबसे ज़्यादा हुई है वो दूसरे महीने में दिखा रहा है, यानी कि फरवरी में। इस तरह से इसके अलावा मैं हाई पॉइंट को यहाँ से हटाता हूँ और मुझे लो पॉइंट देखना है, मतलब सबसे कम सेल किस महीने में हुई है, तो मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे लो पॉइंट का ऑप्शन दिख रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर मुझे इसी तरह से फर्स्ट पॉइंट देखना है कि सब में फर्स्ट पॉइंट वो स्टार्टिंग का पॉइंट दिया है, और इसी तरह से मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट देख सकता हूँ, तो लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा इस तरह से।
और इसी तरह से अगर मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने, यानी कि हमारा जो डेटा है वो नेगेटिव जहाँ जहाँ दिया होगा वो पॉइंट शो कराएगा, तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई नेगेटिव डेटा है नहीं। बाकी मैं यहाँ पे मार्कअप पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे प्रत्येक महीने के यहाँ पे डॉट शो कराएगा, यानी पॉइंट यहाँ पे शो कराएगा, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से कलरफुल दिखाई दें। तो मेरे पास यहाँ पे मार्कर कलर का ऑप्शन दिया होगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे यहाँ पे मार्कर कलर का ऑप्शन दिया होगा तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा मुझे कौन सी कलर का मार्कर चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे जैसे ब्लू का एक्टिवेट है, मैं चाहता हूँ सभी रेड कलर के आए, तो अब ये रेड कलर के शो होगा। तो अब यहाँ पे रेड कलर से शो हो रहे हैं सभी पॉइंट, और मैं पर्टिकुलर किसी एक रेंज के लिए कोई पर्टिकुलर कलर भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मेरे पास है यहाँ पे हाई पॉइंट का ऑप्शन दिया है, इस डेटा में जो भी हाई पॉइंट गया है उसको मुझे क्या करना है, ब्लू कलर से शो कराना है। तो मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास अब ब्लू कलर यहाँ पे आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाता हूँ। अब इसमें हमारे पास जो हाई पॉइंट है वो ब्लू कलर से यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा अगर मुझे लो पॉइंट का कोई अलग से कलर देना है तो मैं ऐसे कोई अलग कलर लो पॉइंट का दे सकता हूँ। जैसे मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ, जो हमारे पास ब्लैक पॉइंट है, मतलब सबसे लो डेटा गया वहाँ पे। तो इस तरह से पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे हम पर्टिकुलर कोई कलर दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट के लिए मुझे कुछ अलग से कलर चाहिए तो मैं अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकता हूँ, इसी तरह से लास्ट कलर से। तो इस तरह से हमने देखा स्पार्क प्लान का यूज़ करके अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, और एक तरह से हमारा ये मिनी चार्ट होता है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये अगर मुझे कॉलम फॉर्मेट में देखना है तो मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ पे जो चार्ट का फॉर्मेट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि अब मुझे डेटा कॉलम फॉर्मेट में दिखा रहा है। बाकी मुझे यहाँ पे उसकी स्टाइल क्या रखनी है मैं चेंज कर दूंगा, और यहाँ से ही मैं अलग अलग कॉलम के लिए मैं अलग से कोई कलर दे सकता हूँ। जैसे हाई पॉइंट का मुझे अलग से शो कराना है, लो पॉइंट का, ठीक है, इस तरह से। और आगे मेरे पास यहाँ पे विन और लॉस का ऑप्शन दिया होगा, तो ये भी हम समझ लेते हैं। ये हम यूज़ करते हैं जैसे मेरे पास कोई नेगेटिव डेटा है या प्लस का डेटा है तो उसको मैं यहाँ पे शो करा सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है, इसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को शो कराया है। जैसे ये मेरे पास मॉडल के नेम दिए हुए हैं, मैं थोड़ा सा इसको भी जूम कर लेता हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी A53 है, वो जनवरी में हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ है, फरवरी में इतने का हमें लॉस हो गया है, ठीक है, फिर मार्च में प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो हमें लॉस हुआ है वो मैंने माइनस में डाल दिया है। अब मुझे उसको एनालाइज करना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आऊँगा और ये हमारे पास विन और लॉस का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। और ये डेटा रेंज पूछ रहा है, यानी कि हमें कहाँ से कहाँ तक, किस महीने से किस महीने तक हमें डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पे पूरी रेंज दे दूंगा मई तक। और लोकेशन रेंज ये ऑटोमेटिक वैसे ये वाला ले लेता है, और हम चाहें तो इसको दोबारा से इस तरह से क्लिक करके दे सकते हैं रेंज को, मैं ओके कर दूंगा। तो अब हमारे पास जो रेड दिखा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जो कॉलम दिखा रहा है, वो डेटा माइनस चला गया है, यानी कि माइनस में गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले महीने का जो डेटा है वो प्लस में दिखा रहा है, और दूसरे महीने का वो नीचे की तरफ यानी कि डाउन चला गया, यानी माइनस में गया है। तो उस तरह से हम यहाँ पे डेटा को देख सकते हैं, यानी कि उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा हमें प्रॉफिट हुआ है, किस महीने प्रॉफिट हुआ है और किस महीने हमें लॉस हो गया है। और मैं इसको ऑटोफिल कर दूंगा तो ये सभी का इस तरह से शो कराएगा, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये हमने सीख लिया कि हम स्पार्क प्लान का एक्सेल के अंदर कैसे यूज करते हैं। और उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।